तो चलिए परीक्षा खबरी का वीकली सेगमेंट देख लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। डेली सुबह 8:30 बजे परीक्षा खबरी आती है, लेकिन सोच रहे हैं कि उसको और सुबह दे दिया करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हैं उनमें वीडियोज़ के लिंक हम दे दिया करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप्स में आप लोग इसी चैनल पर वीडियोज़ अपनी सुविधा अनुसार अपने समय अनुसार देख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कल से जितनी सुबह हो सके उतनी सुबह, मतलब 4 बजे अगर उठ जाए, नींद खुल जाए, तो 4 बजे ही वीडियो दे दें, ठीक है। ये हमारी तरफ से प्रयास रहेगा, बाकी आपके ऊपर है जब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा, है ना। डेली डेली पढ़ते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर्स दुरुस्त होता जाएगा, और वीकली ये रिविज़न हो जाएगा, मंथली रिविज़न हो जाएगा, फिर रामायण वीडियो आपके अंत में रिविज़न के लिए पर्याप्त रहेगा, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 2015 में पहली बार मनाया गया था, तो इस बार जो थीम रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वेलबींग, इस बार का रहा। डी पोषण मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डी पोषण मिशन शुरू किया गया है। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन करने और तापीय ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक अपतटीय समुद्री स्टेशन स्थापित करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। इसके साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना जैसे इलीट ग्रुप में भारत शामिल हो जाएगा। ऐसी तकनीक और विशेषज्ञता वर्तमान में 5 देशों के पास है, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन के पास। अब भारत 6ठा ऐसा देश हो जाएगा जिसके पास इस तरह की सुविधा होगी। एकीकृत विद्युत विकास योजना IPDS, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम क्या है? भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की एक एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, सोलन में 50 किलोवाट पावर क्षमता के सोलर रूफटॉप प्लांट का उद्घाटन किया गया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के सोलन में। यही प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, मे बी स्टेटमेंट में पूछ ले। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम अर्थात इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2014 में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन। हरित हाइड्रोजन मतलब जल से हाइड्रोजन निकालना, ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं रहती है तो प्रदूषण कम रहता है, हरित हाइड्रोजन कहा जाता है, इसीलिए इसको पर्यावरण अनुकूल होता है, भविष्य का ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर हरित हाइड्रोजन पहल पर एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी अभी हाल में किया है। इस कार्यक्रम का संचालन विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। बायोटेक किसान कार्यक्रम ये क्या है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इसको शुरू किया गया है, किसानों में उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए। ये महत्वपूर्ण है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नहीं शुरू किया है, और यहीं पर आप फंसते हैं, इसलिए बायोटेक किसान कार्यक्रम ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इसको शुरू किया गया है। न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के बारे में तकनीकी जानकारी और सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? अर्थशास्त्री प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के बारे में तकनीकी जानकारी और सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो अर्थशास्त्री प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में। हाइड्रोजन टास्क फोर्स अभी हाल ही में गठन किया गया, किसके द्वारा, किसके साथ मिलकर भारत ने किया है? तो भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और USISPF जो यूनाइटेड स्टेट, जो अमेरिका की कॉरपोरेशन है, इन दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्योग और सरकारी हितधारकों का प्रतिनिधित्व इसमें रहेगा। कम या शून्य कार्बन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास किया जाए। बाकी विस्तृत खबरें आप प्रत्येक चीज़ की उक्त दिन की वीडियो में, परीक्षा खबरी में देख सकते हैं। ये रिविज़न है इसलिए फास्ट चलेंगे। दिव्यांग खेल केंद्र, तो केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, याद रखिएगा, यह भी कंफ्यूज हो सकते हैं, खेल मंत्रालय दे सकता है। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने खेल में दिव्यांगजनों के हित और पैरालंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन की दिशा में काम करने के लिए देश भर में
दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसके तहत पहला केंद्र कहाँ पे खोला गया, गुजरात के अहमदाबाद शहर में। एकदम रट्टा मार लीजिए। INS विक्रांत, ये PDF भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है ग्रुप का, वहाँ पे PDF मिल जाएगा आपको। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा। तो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ये, नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत को स्वदेशी विमान वाहक 1 IAC-1 भी कहा जाता है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, कोची में, केरल में। यह भारत में बनने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। डेनमार्क ने ISAFP पर हस्ताक्षर किए। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन समझौता है, जिसका कि नेतृत्व भारत करता है, भारत में मुख्यालय भी है गुड़गांव में इसका, तो डेनमार्क ने भारत के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर, अनसमर्थन के साधन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 8 जनवरी 2021 को ISAFA में संशोधन हुआ था, जिसके बाद डेनमार्क इस फ्रेमवर्क की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। इस संशोधन के बाद 2021 जनवरी में संशोधन हुआ था, उसके बाद 2033 में मंगल ग्रह के लिए पहला मानवयुक्त मिशन को कौन लॉन्च करने वाला है, तो चाइना 2033 में मानवयुक्त मिशन कहाँ के लिए, मंगल ग्रह के लिए लॉन्च करेगा। उसके बाद लगातार 2-3 वर्षों में वो लॉन्च करता रहेगा, उसकी योजना है। इसराइल की सीमेंट साइट पर खोला गया नया प्रारंभिक मानव नेशेर रामला होमो। तो नेशेर रामला होमो क्या है, ये जो है तेल अवीव के दक्षिण पूर्वी स्थान में एक नाम है, उसी के नाम पर वहाँ पर एक खोजा गया है स्केल, और इस स्केल को नाम दिया गया है नेशेर रामला होमो। होमो इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो यहीं पर पाया गया था नेशेर रामला में, और चूंकि मानव का ये पूर्वज है इसलिए होमो इसके साथ जोड़ दिया गया। और यह ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि हमारी प्रजाति होमो सेपियंस के साथ 1,00,000 से अधिक वर्षों तक ये रह चुका है। 1,40,000 और 1,20,000 साल पहले की अवधि, नेशेर रामला मानव का आकृत विज्ञान नियंडरथल और पुरातन होमो मानवों के साथ इसके लक्षणों को साझा करता है। ITETE द्वार, ये क्या है, केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 25 जून 2021 को ITETE द्वार नामक आयकर अपीली प्राधिकरण, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITETE का ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया। अर्थात ई फाइलिंग के माध्यम से आसानी से, सुविधाजनक तरीके से कोई भी केस फाइल किया जा सकता है। इससे संबंधित यह नवाचार और सशक्तिकरण को सक्षम करेगा। यह ई फाइलिंग पोर्टल ITETE के कामकाज में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। दिन पे दिन जो साइबर हमले, साइबर अटैक्स, साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो इस दिशा में एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020, क्योंकि स्मार्ट जो अपराध हैं उनसे स्मार्ट तरीके से ही लड़ा जा सकता है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य अभी ये घोषित हुआ है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य जो हैं, पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। समग्र अगर नगर को देखा जाए कौन से हैं दो नगर, तो सूरत और इंदौर ये पहले स्थान पे नगरों में हैं। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार चंडीगढ़ को मिला। इन पुरस्कारों की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 3 शहरी परिवर्तनकारी मिशनों, इनको याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 6 वर्ष के अवसर पर की गई थी। इन तीनों मिशनों में से एक बदल देगा और आप कन्फ्यूज़ आ जाएंगे, इसलिए इसको भी याद रखिए। कोई भी चीज़ पढ़िए थोड़ा गहराई से, सारे पॉइंट्स उसके पढ़िए। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड भी 3 शहरों को दिया गया है, ये लीड कर रहे हैं स्मार्टता के मामले में, अहमदाबाद, वाराणसी और रांची, जिसमें वाराणसी उत्तर प्रदेश का है, निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट है। लॉरेल हबर्ड बनेंगी पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन, ध्यान रखिएगा, ये भारोत्तोलन वर्ग में, किसमें, भारोत्तोलन वर्ग में महिलाओं के 87 kg वर्ग में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट ये होंगी। न्यूजीलैंड ओलंपिक समिति ने इनका चयन किया है। 6ठा सतत विकास रिपोर्ट 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, इसके द्वारा जारी किया गया। पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा। भारत का स्थान इसमें 120वें स्थान पर भारत रहा।
वर्ष 2015 के बाद से यह पहली बार है जब सभी देशों ने कोविड 19 महामारी के कारण SDG का जो लक्ष्य है, 17 लक्ष्य हैं उनको हासिल करने की प्रगति जो थी उसमें गिरावट आई है। SDG के 17 लक्ष्य हैं, 17 एकदम रटे रहने चाहिए बच्चा लोग। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड और दक्षिणी सूडान इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर हैं, सबसे फिसड्डी हैं। डिजिटल स्किल, हालांकि भारत का याद रखिए एकदम 120वां स्थान है, किसमें? सतत विकास रिपोर्ट 2021 में। बाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है, एक पहल है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप के द्वारा ये पहल लॉन्च की गई है। इसका लक्ष्य क्या होगा? भारतीय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। 5 राज्यों, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश नहीं है इसमें, 50 परिसरों में पायलट आधार पर पहल शुरू की जाएगी। जब मैं कोई चीज़ पे जोर दूं तो समझ लीजिए रटना महत्वपूर्ण है उसको। उत्तर प्रदेश नहीं है इसमें, ओके। सबसे दानी व्यक्ति किसको चुना गया है? पिछली सदी के विश्व के सबसे बड़े दानी व्यक्ति जमशेद जी टाटा को चुना गया है। एडेलगियो ह्यूरन फिलंथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी एक लिस्ट निकाली गई है जिसमें जमशेद जी टाटा को पिछली सदी का विश्व का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति घोषित किया गया है। इसमें जेफ बेजोस और बिल गेट्स आदि बहुत पीछे हो गए हैं उनसे। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग क्रेस्ट, यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा, ध्यान रखिएगा मद्रास द्वारा, इस केंद्र की स्थापना की गई है IIT मद्रास के द्वारा। नवाचार, उद्यमिता और जोखिम पूंजी में नेतृत्व प्रदान करना इसका लक्ष्य होगा। भारतीय स्टार्टअप्स और उपक्रमों पर डेटा डिपोजिटरी बनाने में भी मदद करेगा। तो सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है कि रिस्क क्रेस्ट जो है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, किसके द्वारा खोला गया ये सेंटर? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IIT मद्रास के द्वारा। पैसेज एक्सरसाइज अभी भारत ने किसके साथ किया जून में? तो भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने किया जून, विशेषकर याद रखिएगा क्योंकि भारत विभिन्न जो समुद्र तटीय देश हैं उनके साथ पैसेज एक्सरसाइज करता रहता है। भारत अमेरिका पैसेक्स अभ्यास 2 दिवसीय अभ्यास है जिसका उद्देश्य समुद्री ऑपरेशन में व्यापक रूप से एकीकृत और समन्वय करने की क्षमता का प्रदर्शन करके द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करना है। मिजोरम ने अभी, किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1,00,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की है? मिजोरम ने। आपको पता है जनसांख्यिकीय रूप से छोटा है मिजो समुदायों के बीच जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अधिक बच्चों वाले जीवित माता पिता को 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा करने पैदा करने की वहाँ पर होड़ लग जाएगी। जान है तो जहान है अभियान, कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान, ये क्या है? एक जान है तो जहान है अभियान, ये कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान है। आपको पता है विभिन्न अफवाहें इसके बारे में फैलाई गई हैं, इसको लगाने से नपुंसकता आती है, इसको लगाने से आदमी कोविड से ज़्यादा संक्रमित हो जाता है, मर जाता है, ये दवा सुरक्षित नहीं है, क्या क्या, ठीक है। तो इन्हीं अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए वैज्ञानिक तरीका जो है लोगों को बताने के लिए, इसके पीछे का जो विज्ञान है साधारण सा, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने ये पहल शुरू की है। ये ध्यान रखिएगा अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ये शुरू किया है। न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, भारत को हरा कर जीता विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब। ये पहला था विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, भारत को एक अवसर मिला था लेकिन फिसड्डी साबित हुए बल्लेबाज जो है। तो न्यूजीलैंड ने 23 जून 2021 को साउथ टेम्पन के द रोज बाउल में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस पर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किया जो संभवतः SARS-CoV-2 के लैब रिसाव की उत्पत्ति का कारण हो सकता है, ऐसा विभिन्न, चाहे रसिया की एजेंसी हो, हालांकि वो न्यूज़ छिपा ली गई, बाद में डिलीट कर दी गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और विभिन्न सरकारी एजेंसीज और गैर सरकारी एजेंसीज के दावे में ये अध्ययन में ये बात सामने आई है जिसका विभिन्न एजेंसियों ने दावा भी किया है। हालांकि चाइना तो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है और अपने आप को
नोबेल प्राइज़ देने की, वुहान लैब को नोबेल प्राइज़ दिलाने की बात कर रहा है, तो अपने आप में अफसोसजनक भी है और हास्यास्पद भी है। वायरोलॉजी के अंतर्गत गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में प्रयोगशाला में एक जीव को जानबूझकर बदलना, एक जीन को बदलना या एक रोगजनक में उत्परिवर्तन की शुरुआत करना शामिल है, ताकि इसकी संप्रेषणीयता, विषाणु और प्रतिरक्षात्मकता का अध्ययन किया जा सके। आशा है या उम्मीद है या फिर ऐसा विश्वास है या फिर ऐसा दावा किया जा रहा है कि चाइना में इसी परिवर्तन के उत्परिवर्तन के दौरान एक घटना घटी जिसके कारण ये वायरस लैब से किसी न किसी के माध्यम से, चाहे वो व्यक्ति के माध्यम से या फिर किसी माध्यम से, वो बाहर आ गया। उसके बाद तेज़ी से यह संक्रमण फैला। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा ये क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई है। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, ध्यान रखिएगा, इसमें उच्च अध्ययन में दाखिला लेने के लिए क्रेडिट कार्ड की मदद से 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि इसकी बहुत सारी कंडीशंस होंगी, ठीक है, देखने में पढ़ने में ही अच्छा लगता है, सबको मिल जाए तो क्या बात। विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में असम में गुवाहाटी के बाहरी इलाके स्थित रबड़ बोर्ड के सरुतरी अनुसंधान फार्म में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया। इस पौधे को, ध्यान रखिएगा, केरल स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में विकसित किया गया था, ठीक है। इसमें MNSOD मैंगनीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जीन को अंतर्वेशित कराया गया है और यह GM रबड़ शीतकाल में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का मुकाबला करने में सक्षम होगी। यह तब है कि कड़ाके की ठंड रबड़ के पौधों के विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक होती है। GM रबड़ में प्रयुक्त MNSOD जीन को रबड़ के पौधे से ही लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है, ध्यान रखिएगा, श्याम सुंदर ज्ञानी जी को, राजस्थान के हैं। संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है इनको। पारिवारिक वानिकी एक पर्यावरण संरक्षण अवधारणा के लिए काम करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व बैंक और IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह, जो कि जलवायु परिवर्तन और COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए कार्य करेगा, उसका सदस्य किसको नामित किया गया है, भारत के मोंटेक अहलूवालिया को। ओके, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये पहल भारत और भूटान दोनों ने मिलकर शुरू की है हाल ही में। तो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या TIWB संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की एक संयुक्त पहल है। TIWB कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी जानकारी और कौशल को उनके कर लेखा परीक्षकों को हस्तांतरित करके और सामान्य लेखा परीक्षा प्रथाओं और ज्ञान उत्पादों के प्रसार को उनके साथ साझा करके कर प्रशासन को मजबूत करना है। तो ऐसा भारत और भूटान ने मिलकर के ये पहल शुरू की है, किसके अंडर में, UNDP और OECD, इन दोनों के अंडर में। कोविड सेवरिटी स्कोर CSS क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। एक नया सॉफ्टवेयर है कोविड सेवरिटी स्कोर, एक नया सॉफ्टवेयर है जो एक एल्गोरिथम के आधार पर कोविड रोगियों की पहचान करेगा जिन्हें वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है। फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ कोलकाता ने विज्ञान कृषि में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया अभी हाल ही में, जून माह में, भारत और फिजी ने। ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर कौन बना, रविंद्र जडेजा, भारतीय क्रिकेटर। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कुछ हैं फैक्ट्स, ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI हासिल करने वाला किस नंबर का देश बन गया है, तो 5वें नंबर का देश बन गया है। कुल $64 अरब का FDI प्राप्त हुआ। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है, तो बेंगलुरु जो है भारत का सबसे रहने योग्य शहर है। इसके बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर क्रमशः आते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का एक हिस्सा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की, तो दिल्ली राज्य सरकार ने। किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट
हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो भारत ने, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला है ये, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। CII के अंडर में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने IGBC ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। IGBC ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग करके ये सिस्टम लॉन्च किया है। तो विश्व का पहला है, इसलिए याद रखिएगा। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे दोस्तों? केरल, ध्यान रखिएगा। तो केरल के हैं ये, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का ओपन सोसाइटी पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य और महामारी के दौरान जो उन्होंने सहायता करी जीवन बचाने की मान्यता में, उसके लिए प्रदान किया गया है। किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI का सम्मान जीता है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, एकदम रट्टा मार लीजिए इसको, डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान इसने जीता है। हाल ही में किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का परीक्षण किया जो ड्रोन को मार गिरा सकता है? तो इसराइल ने अक्सर ऐसा परीक्षण करता रहता है, तो इसको इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। ये लो गोल्ड 48, एकदम रट्टा मार लीजिए, एकदम पीला तरबूज बहुत जल्द आपको खाने को मिलेगा। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया। किस फसल की पहली व्यावसायिक किस्म है? तरबूज की। तो जर्मन एग्रोकेमिकल कंपनी बायर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म येलो गोल्ड 48 लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, तो युवा और महिला याद रखिएगा, किसने शुरू किया है? बिहार राज्य ने। निम्न में से किस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण किया है? करीम खान ने। तो ये ब्रिटिश वकील हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए नए मुख्य अभियोजक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? तो जापान और भारतीय नौसेना के समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि भारत का 92वां टाइगर रिजर्व है, उसको बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा, भारत का 92वां टाइगर रिजर्व होगा ये। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है? तो इबोला वायरस का प्रकोप खत्म हो गया है गिनी से, WHO ने घोषणा की है। टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन हैं? तो आधिकारिक गीत के बोल क्या हैं? तू ठान ले। गाना किसने गाया है? द ग्रेट सिंगर मोहित चौहान ने। इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ईरान के, इब्राहिम रईसी नाम है इनका। BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? BCCI ने 10 करोड़ रुपया, ठीक है। निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में, कौन महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की, टेस्ट मैच में दो पारियां होती है एक टीम के लिए, तो दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली भारत एवं दुनिया की चौथे बल्लेबाज बन गई? तो शेफाली वर्मा हैं, पहली भारतीय महिला बनी है और दुनिया की चौथी ऐसी महिला बनी है शेफाली वर्मा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर किसे दोबारा सर्वसम्मत से चुना गया है? एंटोनियो गुटेरेस को। उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।